हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ ग्रेवी चाप की सब्ज़ी, जो कि डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है, एकदम होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनेगी ये। सबसे पहले मैंने ली है सोयाबीन की चाप, जो कि वेट में 1 kg है। इसकी हम सारी जो स्टिक्स हैं उसको रिमूव कर लेंगे। सारी स्टिक्स को हमने रिमूव कर लिया है। अब एक चाप के अंदर लगाएंगे हम कट, और इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। इसके स्लाइसेस हम छोटे ही रखेंगे। सारी सोया चाप मैंने काट के कर लिया तैयार। तो चलिए इसे करेंगे हम मैरिनेट। एक लेंगे हम बर्तन, इसमें डालेंगे हम हंकर्ड। मैंने ये 1/2 kg दही लिया था, जिसको अब मैंने सारा पानी निचोड़ लिया है। इसको डालेंगे हम बर्तन के अंदर। अब लेंगे हम गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्ची। इसको हमने चॉप कर लेना है, इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं तैयार करना हमने, सिर्फ चॉप करना है। इसमें हम डालेंगे नमक 2 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम काली मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे ऐसा कलर बहुत ही अच्छा आता है मैरिनेशन में। इन सबको हम कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से मसाले के अंदर। ये जो हमारी सब्जी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सारी हम जो सोया चाप है उसको ट्रांसफ़र करेंगे इस बाउल के अंदर, और जो हमने मसाला तैयार किया है उसके अंदर इसको हम मिक्स कर लेंगे। हंकर्ड से इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी होती है, और जो उसका टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। सारी चाप को हमने मिक्स कर लेना है। इसको हमने ढक के रख देना है 15-20 मिनट्स के लिए। तब तक कर लेते हैं हम तड़के की तैयारी। मैंने लिए 5 टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन की कलियां। सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी का। इस पानी में हम डालेंगे हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज और टमाटर। प्याज को हम इस तरह से रफली काट लेंगे। इस तरह से बॉईल करके मसाला हमारा जो बनता है बहुत ही रिच फ्लेवर आता है, उसमें टेस्टी बनता है वो। टमाटर को भी हम लेंगे, उसको 2 टुकड़ों में काट के डाल देंगे। सारे टमाटर डालने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। चलिए चेक करते हैं 15 मिनट के बाद, जो हमारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन है सब सॉफ्ट हो गए हैं, और पानी में जो था वो सूख गया। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक चॉपर के अंदर। इस मसाले को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे।
ये देखिए चॉप करने के बाद जो हमारा मसाला है इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो एकदम बारीक पीस गया ये। जो हमारी चाप है वो भी मैरिनेट हो गई है अच्छी तरह से। इसे हम करेंगे फ्राई। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, गैस की आंच करेंगे फुल और इसको हमने डीप फ्राई करना है। एक एक करके डालेंगे इसमें स्लाइस का हम। सारी चाप डालने के बाद इसको हम एक बार हिला लेंगे। हल्की गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हमने निकाल लेना है। सारी चाप को हमने कर लिया फ्राई। अब लेंगे हम कढ़ाही, इसमें डालेंगे हम ऑयल। जो हमारा चाप को फ्राई करके ऑयल बचा था वही हम ऑयल का यूज़ करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची के कारण थोड़ा जो हमारा ऑयल है वो लाल हो गया है। इसमें डाल लेंगे हम सारा चॉप किया हुआ मसाला। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ऑयल के अंदर और इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है। गैस की आंच हम फुल रखेंगे। अब डाल लेंगे इसमें हम एक चम्मच नमक, एक चम्मच डाल लेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच डाल लेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर और एक चम्मच डाल लेंगे इसमें हम गरम मसाला। इन सबको डालने के बाद फिर से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे इसे। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। मसाले ने तेल रिलीज कर दिया है। अब डालेंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून मलाई। आप लोग रेडीमेड अमूल की क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और फ्रेश मलाई का यूज़ भी कर सकते हो। अब डालेंगे इसमें हम प्याज, जिसके स्लाइसेस मैंने इस तरह से अलग अलग कर लिए थे जैसे हम कढ़ाई पनीर के करते हैं वैसे ही। इसे भी मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं है। अब डाल देंगे इसमें फ्राई की हुई चाप। गैस की आंच हम स्लो करेंगे और अब डाल देंगे इसमें हम पानी। इसमें हम पूरा 1 गिलास फिर से पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं और जो हमारी चाप है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। चाप को मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम ढक्कन और बिल्कुल स्लो आंच पे इसे हम कुक करेंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद हटा के देखते हैं। ये देखिए सारी चाप हमारी सॉफ्ट हो गई है और मसाला हमारा अच्छी तरह से चाप के अंदर मिक्स हो गया। चाप की सब्जी हमारी हो गई है तैयार। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।